So hey everyone, what's up? This is Vinay Haritwal and today we are going to understand how to score above 70 in law and BCR. So firstly, हमें ये समझने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है. इंस्टीट्यूट अक्सर ये बताए गए हुए मार्क्स के आसपास ही क्वेश्चन पेपर सेट करता है, ठीक है. वैन आई से आसपास, कुछ ऊपर कुछ नीचे. तो अल्टीमेटली लॉ 60 मार्क्स का एंड BCR 40 मार्क्स का है. इस पेज का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है. सबसे ज़्यादा वेट कैरी करता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिससे बच्चे सबसे ज़्यादा डरते हैं. बेसिकली कैसे लॉ को पढ़ना है हम लोग थोड़ी देर में जानने वाले हैं, बट ये सारे चैप्टर्स के ऊपर मेरा रिविजन वीडियो है, यू कैन वॉच दैट फ्री ऑफ कॉस्ट एंड इन्हेंस योर नॉलेज, क्योंकि उसमें सारा कीवर्ड अंडरलाइंड है, सारा खेल कीवर्ड का है. तो सबसे इम्पॉर्टेंट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है. आफ्टर दैट जो बच्चे सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं वो है LLP. देखो, अगर आपको 70 के ऊपर लाना है तो आपको LLP नहीं छोड़ना है, और अगर आपको 50-60 के आसपास लाना है, यू कैन लीव LLP, ठीक है. एज बींग योर एल्डर ब्रदर, आई एम सजेस्टिंग कि आप LLP छोड़ सकते हैं, क्योंकि 3 से 6 मार्क्स के लिए इतना बड़ा चैप्टर पढ़ना मेरे हिसाब से सही नहीं है, और इसमें अमेंडमेंट्स भी बहुत ज़्यादा है. बट फिर भी टू बी ऑन द सेफर साइड, स्टडी मटीरियल का क्वेश्चन एंड RTP MTP का LLP वाला क्वेश्चन ज़रूर कर लेना, जो आएगा वहीं से आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा, ठीक है. बाकी सब पूरा अंदर से इन डेप्थ पढ़ना है. कैसे पढ़ना है 2 मिनट में आ रहे हैं. BCR कैसे पढ़ना है, तो BCR में यार ये समझो कि कम्युनिकेशन 110%, 4 से 6 मार्क्स तो मिनिमम आएगा ही आएगा. उसके बाद एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एंटोनिम सिनोनिम, जो वोकैबुलरी वाला पार्ट होता है, उससे 8 से 12 मार्क्स आएगा. कॉम्प्रीहेंशन नोट मेकिंग से अराउंड 10 मार्क्स आता ही आता है, एंड आर्टिकल रिपोर्ट राइटिंग या दोनों आता है या फिर उसमें से एक आता है. ये तो कंपलसरी है, ये सब तो आएगा ही, तो सिर्फ इतना करने से हम लोग BCR को कंट्रोल में ला सकते हैं. उसके अलावा ये क्या है, ये प्रेसाइज लेटर, मेल, रेज्यूमे राइटिंग, मीटिंग, ये सब बच्चों का खेल है, ठीक है. तो ये सब भी हम लोग को करना है यार. ये 40 मार्क्स में ना वी हैव टू एम कि एनी हो 30 ऊपर लाना है, तभी हम लोग लॉ को मैनेज कर पाएंगे. अब कैसे पढ़ना है लॉ एंड BCR, मेन काम पर आते हैं. वेरी 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 इंपॉर्टेंट काम. लॉ कैसे पढ़ें, सबसे पहले ये समझो सारे सेक्शंस को याद नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट सेक्शंस को याद करना है. इम्पॉर्टेंट सेक्शंस क्या होता है, वो बेसिकली हो सकता है आपके टीचर आपको इम्पॉर्टेंट सेक्शंस मार्क कराए हों, या फिर मेरे पास PDF है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, आई फाइंड आउट अ वे टू गिव इट टू यू, जिसमें इम्पॉर्टेंट सेक्शंस को रेड मार्क किया गया है जगह जगह पे, साथ में ही कीवर्ड्स भी हैं. लॉ का पूरा खेल, लोग अक्सर बोलते हैं कि भैया पूरा लॉ कैसे पढ़ें, हम लोग पूरा पढ़ना ही नहीं है. आपको सबसे पहले होना चाहिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, कीवर्ड्स पकड़ लो. इंस्टीट्यूट में जब पेपर चेकर पेपर को चेक करेगा तो हम लोग को कीवर्ड्स पे ध्यान देना है, वो लोग देखेंगे कीवर्ड्स प्रेजेंट है कि नहीं, तो कीवर्ड्स पकड़ना पड़ेगा. फिर जहाँ पे सेक्शंस इंपॉर्टेंट है वो सेक्शंस याद कर लो, जो 99% ऑफ द टाइम एग्जाम में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि डेफिनेशन का सेक्शंस हो गया, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हो गया जिससे रिलेटेड बहुत जगह बात किया गया है, और कुछ केस लॉस पढ़ लिया जाए, जैसे कि बेलफोर वर्सेस बेलफोर कंपनीज एक्ट में, या फिर कार्बोलिक्स मुगल कंपनी वाला इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, ये सब इंपॉर्टेंट केस लॉज है. नाम अगर हम लोग पेपर में लिख दें तो ये देखो, ये दो चीज़ जो है ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम इसका इस्तेमाल करने के कारण हम लोग का पेपर का लेवल बढ़ता है, एग्जामिनर हम लोग में इंटरेस्ट दिखाता है हम लोग के पेपर में, ठीक है, जिससे हम लोग का मार्क्स अच्छा आ सकता है. और लास्ट में जो 99% ऑफ द बच्चे नहीं करते, जिसके कारण वो लोग फेल करते, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना. कहाँ से, स्टडी मटेरियल, अगर आपके पास स्कैनर है तो स्कैनर से, नहीं तो RTP MTP पास्ट ईयर पेपर को उठा उससे करो. अगर लॉ में क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किए, खाली हम लोग याद करके चल गए, तो 70 तो छोड़ो, 40 पर लाना भी मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, क्वेश्चंस आते हैं हमारे सामने, एंड वही क्वेश्चंस आते हैं जो आपके स्टडी मटेरियल में, जो आपके RTP MTP और पास्ट ईयर पेपर में आ चुके हैं. उसके बाहर इंस्टीट्यूट कुछ नहीं पूछता. जो 100 मार्क्स 120 मार्क्स का पेपर होता है, सिर्फ 10 से 20 मार्क्स मैक्सिमम इंस्टीट्यूट बाहर से पूछता है, बाकी सारा क्वेश्चन का नाम बदल बदल के आपको दिया जाता है. अब इससे ज़्यादा इंस्टीट्यूट क्या करे आपको पास कराने के लिए. तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है. पहला फोकस होना चाहिए जब पहला या दूसरा रीडिंग कर रहे कि हम लोग अंदर का मटेरियल को अच्छे से लर्न करें, लेकिन जब थर्ड या फोर्थ रिविजन होता है तब फोकस करने के हम लोग सीधे क्वेश्चन पे आए और देखें कि कौन से कॉन्सेप्ट हम लोग को अभी तक याद नहीं है. तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है. ये 4 काम आप कर लो, लॉ में ग्रिप बन जाएगा.
अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है, अक्सर बच्चे बोलते हैं कि वॉट एवर आई लर्न आई जस्ट फॉरगेट इट, जो भी याद करे वो भूल जा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, नेचुरल है। अब देखो लर्न करने का मेन पर्पस क्या होता है, अगर हम पहली बार इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लेके बैठे हैं और मेरे को आठ घंटा लगा, तो नेक्स्ट रिविजन में 6 घंटा लगाना है और उसके नेक्स्ट रिविजन में 4 घंटा लगाना है, क्योंकि हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं एग्ज़ाम के लिए। तो वो जो 1.5 दिन है, एक बात को गौर से समझो, अकाउंट्स का एग्ज़ाम देकर आएंगे, उसके बाद लॉ का एग्ज़ाम है, हमारे हाथ में 1.5 दिन है। जो चीज़ हम लोग उस 1.5 दिन में देखेंगे पढ़ेंगे वही हम लोग एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, ये आप समझो। और हम लोग का अभी से जो प्रिपरेशन हो रहा है इसलिए हो रहा है कि उस 1.5 दिन में क्या पढ़ना है, तो हम लोग को जो नेक्स्ट रिविजन है हम लोग वो 1.5 दिन में जल्दी से कर पाएँ, इसीलिए अभी याद कर रहे हैं। ठीक है, तो भूल रहे कोई दिक्कत नहीं है, अगली बार पढ़ेंगे तो जल्दी रिमाइंड कर पाएंगे। ठीक है, अब कैसे ट्रिक्स यूज़ करना है, याद करते टाइम बहुत सारे ट्रिक्स का इस्तेमाल करना होता है, जैसे कि एक्रोनिम। फॉर एग्जांपल वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो कोअर्शन अंडू इन्फ्लुएंस फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन, CUFM वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है। CUFM सबका स्टार्टिंग का पहला लेटर उठाएं, एक वर्ड बना दिए, इस तरीके से एक्रोनिम का इस्तेमाल करके हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं। पैसिव टीचिंग कर सकते हैं, यार ये तो बेस्ट टेक्निक है, मेरे खुद को ये पढ़ने में बहुत मज़ा आता है और इससे मेरे को हर चीज़ याद रहता है। जब भी आप कोई कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे काम कर रहे हैं, देखो सबसे पहले होता है कॉन्सेप्ट को समझना। अगर हम कोई लाइन कोई पैराग्राफ पढ़े, कोई टॉपिक पढ़े, सबसे पहले उस बुक को बंद करो और कोशिश करो कि हमारे सामने कोई है जिसको हम लोग ये समझा रहे हैं। हम लोग पैसिव टीचिंग कर लिए, हम लोग का कॉन्सेप्ट 110% क्लियर हो गया। अब काम करना है रट्टाबाजी का, कीवर्ड उठाना और उसमें से रटना है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और स्टोरीज बना के समझाओ टीचिंग करते टाइम, कोशिश करो कि हैंड मूवमेंट्स यूज़ कर पाओ, चल चल के समझाना है, रूम में खुद को बंद करके चल चल के समझो। ये सब ट्रिक्स बहुत ज़्यादा मदद करता है, पढ़ाई में इंटरेस्ट लाने में भी मदद करता है और याद रखने में मदद करता है। हम लोग को रिवाइज करते रहना है, ठीक है, लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको रिवाइज करते रहना है। हम लोग का जंग कब है, एग्ज़ाम का 1.5 दिन, वो 1.5 दिन में खुद को बेहतर परफॉर्मेंस देना है। अगर अभी से अच्छा प्रिपरेशन नहीं होगा तो 1.5 दिन में हम लोग अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अब इस 1.5 दिन के लिए क्या करना है, आप समझ लो कि आपका कौन कौन सा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर और अच्छे से याद है, जो जो कॉन्सेप्ट याद नहीं वहाँ पे स्टार मार्क कर दो कि हाँ भाई एग्जाम से 1.5 दिन पहले इसको हमको 3-4 बार रिवाइज करना है और बाकी सबको खाली देखकर आगे बढ़ना है। ये गलती नहीं करना है कि वो 1.5 डे को आप सही से प्लान नहीं कर पा रहे, यही सारा गेम होता है। अक्सर बच्चा पढ़ाई करने के बाद भी यहीं फेल करता है, तो वी हैव टू फोकस कि हम लोग ये 1.5 दिन के लिए आज से प्लानिंग शुरू कर दें। BCR कैसे पढ़ना है, BCR 40 मार्क्स, इसमें 30 के ऊपर अक्सर बच्चे ले आते हैं। कैसे, बेसिक इंग्लिश ग्रामर पर कमांड रख के, कहाँ पे एडजेक्टिव लगाना है, कहाँ पे कंजंक्शन प्रीपोजिशन का क्या इस्तेमाल होगा, वर्ब का कौन सा फॉर्म का कब इस्तेमाल करना है, ये सब बेसिक इंग्लिश ग्रामर पे कमांड रखे। अगर आपका इंग्लिश ग्रामर पे बेसिक कमांड नहीं है, मेरा 2 वीडियो है, टेंसेस के ऊपर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक पैसिव एक्टिव के ऊपर, ये 3 वीडियो आप यूट्यूब से देख लो, खेल खत्म, बेसिक इंग्लिश आ जाएगा। अगला टॉपिक है कम्युनिकेशन, 4 से 6 मार्क्स फ्री का होता है, फ्री का, इसका भी फ्री का वीडियो डाला हुआ है, पूरा कम्युनिकेशन चैप्टर का वीडियो डाला हुआ है विथ ट्रिक्स, कहाँ पे क्या याद करना है, कैसा सवाल बनेगा, खाली कॉन्सेप्चुअली समझ के कीवर्ड्स वहाँ पे लिख दो, 110% कम्युनिकेशन में 6 मार्क्स का अगर आएगा तो 4 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। गुड वोकैबुलरी यूज़ करो, कुछ ना 10 से 15 अच्छा अच्छा वर्ड्स का अपने पास एक स्टॉक रखो जो कहीं भी यूज़ किया जा सकता है, और जब तुम लेटर लिख रहे हो, मेल लिख रहे हो, तो वो अच्छे अच्छे वर्ड्स का इस्तेमाल करो। इसके लिए चैप्टर 6 ऑफ BCK जो है तुम लोग का, जहाँ पे बिजनेस टर्मिनोलॉजीज है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा इंग्लिश देख के टीचर तुमको ज़्यादा मार्क्स देगा। सिंपल इंग्लिश का इस्तेमाल करना है, बहुत ज़्यादा हाई फाई इस्तेमाल नहीं करना है। अच्छा इंग्लिश और सिंपल इंग्लिश अलग अलग बात है। अच्छा इंग्लिश यानी कि एकदम नॉर्मल भाषा चल रहा है, एक अच्छा वर्ड का इस्तेमाल किया जो कि बिजनेस लैंग्वेज में यूज़ किया जाता है, बस ऐसे कोई हाई फाई इंग्लिश नहीं चाहिए हम लोग को, नॉर्मल जो बचपन से आज तक इंग्लिश पढ़े वही। मेन खेल होता है, चाहे वो आर्टिकल राइटिंग हो, चाहे वो लेटर राइटिंग हो, चाहे वो मेल रेज्यूमे राइटिंग हो, फॉर्मेट का खेल। आपको एग्ज़ाम से 1.5 दिन पहले तक ऐसा होना चाहिए कि हम फॉर्मेट देख रहे हैं, मेरे दिमाग में पूरा बन जा रहा है। उसके लिए आपको अभी से प्रैक्टिस करना होगा। 99% ऑफ द बच्चा क्या करता है, BCR में प्रैक्टिस नहीं करता है, फॉर्मेट दिखता और सोचता है याद हो गया। अरे रफ में चीस लो फॉर्मेट को। अगर फॉर्मेट 4 से 5 बार एग्ज़ाम से पहले खाली ऐसे ही, मतलब 2 से 3 मिनट भी खाली तुम लोग चीज दिया ना कुछ भी कि फॉर्मेट कैसा होता है, 110% तुम लोग BCR में 30 मार्क्स के ऊपर ला सकता है। BCR में कोशिश करना कटिंग कम से कम हो, क्योंकि जितना कम कटिंग होता है उतना हम लोग का पेपर नीट एंड क्लीन होता है। लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट, चाहे वो लॉ हो चाहे वो BCR हो, इस बार का RTP करना है, पिछला 2 अटेम्प्ट का MTP करना है, वो टोटल 4 मॉक टेस्ट पेपर होगा, और इस साल का MTP करना है। क्या भैया लिख के प्रैक्टिस करना है सब कुछ? नहीं,
क्वेश्चंस देखो, लग रहा है पढ़ा हुआ है वेरी गुड, नहीं लग रहा है एक बार आंसर देख लो, देखना है। लेकिन BCR में प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, BCR देखने से नहीं चलेगा, चाहे रफ में प्रैक्टिस करो, करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ ये स्टेप्स फॉलो कर लोगे ना आप, आपको 70+ लाने से कोई नहीं रोक सकता है। और ये 70+ ना एक वरदान है एग्रीगेट में 200 लाने के लिए। और कोई भी टाइप का हेल्प चाहिए, किसी भी टाइप का वीडियो चाहिए, जस्ट व्हाट्सएप मी या फिर कमेंट बॉक्स में मेरे को बताओ, आई विल हेल्प यू आउट फॉर श्योर। थैंक यू।